जी, तो मैं बात कर रहा हूँ, आज कुछ बच्चे ने मुझे बताया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो कैसे खिंचाएगा, उसके बारे में मुझे बताया जाए, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? जैसे कि कुछ साइंटिस्ट लोग ने मेडिसिन डिपार्टमेंट में, उन्हें नाम लिखने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का खोज किया और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए। तो जो टर्मिनल होते हैं, जो सबसे साइड में होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सबसे साइड में है वो टर्मिनल होंगे, जो इधर हो या इधर हो टर्मिनल होगा, जो बीच में होंगे वो मिड पॉइंट होंगे। तो जब टर्मिनल होंगे उसको CS3 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मिड में होंगे उसको CS2 से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा है CS3, CS2, 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 CS3, उसकी मैंने नीचे लाइन डायग्राम शो की है। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं कि ये CS3 होंगे वो CS2 है, CS2, 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 CS3, जो सबसे साइड में कोने में जो टर्मिनल है, वो टर्मिनल बोलते हैं, वो CS3 होंगे, और बाकी जो मिड मिड पॉइंट पे होंगे वो CS3 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जो टर्मिनल है वो CS3 है, CS2 है, CS2 है, CS2 है एंड CS3 है। उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पे CS3 है, CS2 है, और ये हाइड्रोजन जो फुलफिल कर रहे हैं वो कार्बन के वैलेंसी को फुलफिल कर रही है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वो टेट्रावेलेंट को फुलफिल कर रही है।